हाय गाइस, मेरा नाम है यश दुबे और वेलकम टू द यश स्टोरी। तो आज की फिटनेस का टॉपिक है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मैं अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार लिखता रहता हूँ कि ये एक्सरसाइज काफ़ी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है। तो पहले तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को समझते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आपकी बॉडी की सारी ताकत बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में इन्वॉल्व कर रही है। जैसे कि अगर मैं स्प्रिंट लगा रहा हूँ तो मैं 5-6 सेकंड स्प्रिंट, 7-8 सेकंड स्प्रिंट लगा रहा हूँ, उसमें मेरी बॉडी की सारी ताकत जितनी भी है सब उस 5-7 सेकंड में जा रही है। मैं अपनी बॉडी से डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे जितनी भी सारी ताकत है, जितना तेज मैं भाग सकता हूँ उतना मुझे भगा और सारी की सारी ताकत इन्वॉल्व उसमें डाल दे, तो उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लीन लगाता हूँ तो यहाँ तक मेरा पावर क्लीन जैसे कहते हैं, तो यहाँ तक मेरा मूवमेंट ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या डिमांड करता हूँ अपनी बॉडी से कि सारी की सारी ताकत मुझे दे अब जो 1 माइक्रो सेकंड के लिए मैं जो मूवमेंट करूंगा उसमें, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, है ना। यही तो करते हैं, मान लो यहाँ पे बारबेल है, ये क्लीन होती है। तो ये सारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। जब मुझे किसी को पंच मारना है, जैसे कि मान लो मुझे कोविड जो कैमरामैन है उसको पंच मारना है, मैं क्या करूंगा अपनी बॉडी से डिमांड करूंगा कि जितनी ताकत है मेरे पास, जितनी ताकत है सारी की सारी मुझे इस पंच में दे, बहुत ही कम टाइम के लिए, 1-2 माइक्रो सेकंड के लिए मैं पंच मारूंगा, ठीक है। सारी की सारी ताकत मैंने अपनी बॉडी की एक ही टाइम में दे दी। जब मुझे बॉल थ्रो करनी है, जब मुझे बॉल डालनी है, जब मुझे शॉट मारना है थोड़ा सा क्रिकेट का, जब मुझे फुटबॉल किक करनी है, मैं अपनी बॉडी से कोई भी एथलेटिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी से कह रहा हूँ कि मुझे सारी की सारी ताकत दे, पर बहुत ही जल्दी चाहिए मुझे ये ताकत, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको एथलेटिक फिटनेस चाहिए और एथलीट बनना है, जो कि आपको बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की अलग से ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कर सकते हैं, पर लेग डे पे क्या होता है, लेग डे पे हम ज़्यादातर स्क्वाट्स लगाते हैं, डेडलिफ्ट लगाते हैं, सिंगल लेग ट्रेनिंग कर ली हमने, पर वो सारे थोड़े से स्लो मूवमेंट्स हैं। आप डेडलिफ्ट में भी वेट बढ़ा रहे हो और स्लो मूवमेंट है वो, है ना। थोड़ा स्क्वाट्स भी, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स हम लेग डे पे नहीं कर पाते। अगर आप पावर क्लीन वगैरह अपने स्ट्रेंथ डे पे कर रहे हो अच्छी बात है, पर काफ़ी कुछ नहीं कर पाते हम लेग डे पे। तो हम ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करें। एक लेग फिनिशर मैंने अभी वीडियो डाली थी, काफ़ी पॉपुलर भी हो गई इंस्टाग्राम पे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उस पर ही आए हैं, तो उसको मैं बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो उसके लिए बताता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक लेग फिनिशर टाइप पे, आपने पूरा लेग वर्कआउट कर लिया, अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए आप केवल 2 या 3 सेट लगा लो, बहुत ही अच्छी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो क्या करना है इस वाली एक्सरसाइज में, एकदम बेस पोजिशन में आ जाना है। 2 डंबल ले लिया आपसे, डंबल से हो सकता है तो कर लो, डंबल से नहीं हो सकता बिना डंबल के कर लो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेस पोजीशन में आ गए, ये रेस्ट पोजीशन है मेरी बॉडी की, ठीक है। अब मैं अपनी बॉडी से डिमांड करूंगा कि भाई मुझे सारी की सारी ताकत बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे, ताकि मैं पावरफुल, मेरी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ सके। क्या करूंगा, ये रेस्ट पोजीशन है, डंबल उठाए, कुछ नहीं करना, अब बस मुझे स्क्वाट पोजीशन में आना है। अब देखना ढंग से नहीं हो पाया, एक और बार करता हूँ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो गई, एक और बार करते हैं। अब मैं कहूँगा बॉडी दे मुझे ताकत सारी, ये पोजीशन। आपने देखा कि पहली बार मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा ताकत डिमांड कर रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसलिए तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए ताकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़े। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था उस टाइम, तो मैं नहीं कर पाया, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं कर पाया। पर दूसरी बार मैंने अपनी बॉडी से पूरी ताकत, अपने मेंटल स्ट्रेंथ लगाई कि भाई दे मुझे पूरी ताकत और ये कर। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, एक तो ये बॉडी स्टेबिलिटी बढ़ा रही है आपकी, देखना बॉडी स्टेबिलिटी दिखा रही, देख ही रहे हो आप कितनी मुश्किल है इसमें, कि आपको रेस्ट पोजीशन से जब इस पोजीशन में आना है, यहाँ पे बॉडी स्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गिर सकते हो, है ना। तो स्टेबिलिटी बढ़ा रही है और अंदर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेरी बढ़ा रही है। मैं चाहता हूँ आप अपने लेग डे पे ये फिनिशर डालो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक बार करके दिखा देता हूँ, अपने 4-4, 5-5 बिना डंबल के, डंबल के साथ हो रहे हैं आप पे, जैसे हो रहे हैं वैसे डालो, बिना डंबल के करना कर लो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बॉडी से डिमांड करो, मेंटली स्ट्रांग हो, कि मुझे सारी ताकत दे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये जो पोजीशन है यहाँ पे पावर बढ़ेगी। एक एथलीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, स्क्वाट पोजीशन, क्योंकि हम ज़्यादातर स्प्रिंट लगा रहे हैं, नीचे फील्डिंग कर रहे हैं,
ये पोजीशन बहुत जरूरी है, स्क्वाट पोजीशन। कराटे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इस पोजीशन में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये एज अ फिनिशर डालो, 2-3 सेट लगाओ, मस्त आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी एथलेटिक बॉडी मिलेगी। बस यही कहना था आज, तो एंजॉय करो। थैंक यू।